हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम से मैं शांतनु, पेश है अब तक के मुख्य समाचार। अटल टनल से पेट्रोल डीजल टैंकर को नहीं मिलेगा प्रवेश, रोजाना 2 घंटे बंद रहेगी सुरंग। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बोले, बिजली बोर्ड का नहीं होगा निजीकरण, फील्ड में चल रही तकनीकी खामियों को करे दूर। हिमाचल में आज 154 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, 2 लोगों की गई जान। हिमाचल में कांग्रेस किसान जन चेतना यात्रा पर निकलेगी, शुरुआत सोमवार को पांवटा से होगी। शिमला में सोमवार को होगा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समारोह। हमीरपुर मर्डर केस में हुआ खुलासा, पहले जूस में मिलाया जहर, फिर गला घोंट कर की युवती की हत्या। जवाली पुलिस ने कुठेड़ में बाइक सवार 2 युवकों से बरामद की चरस की बड़ी खेप। मैहतपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत से पाया काबू। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। लोकार्पण करने के बाद अटल टनल रोहतांग आम लोगों के लिए खोल दी गई है। लोकार्पण होते ही शनिवार को 150 वाहनों में गए पर्यटकों ने अटल टनल को निहारा, जबकि लाहुल आने जाने वाले 200 के करीब वाहन टनल से ही आर पार हुए। रविवार होने के कारण टनल निहारने वाले लोगों का काफी हुजूम उमड़ा। अधिकतर लोग अटल टनल के दूसरे छोर नॉर्थ पोर्टल से ही वापस आ गए, जबकि कुछ वाया रोहतांग दर्रा होते हुए मनाली लौटे। सभी वाहनों के लिए अटल टनल खुल गई है, लेकिन डीजल पेट्रोल से भरे टैंकरों को फिलहाल टनल में जाने से मना ही है। आपात स्थिति में टैंकर बीआरओ से अनुमति प्राप्त कर टनल पार कर सकेंगे। वहीं देखभाल के चलते दिन में 2 बार वाहनों की ट्रैफिक रोकी जाएगी। सुबह 9 से 10 बजे तथा शाम 4 से 5 बजे के बीच अटल टनल के भीतर वाहनों की आवाजाही को अनुमति नहीं होगी। बिजली बोर्ड को किसी भी कीमत में निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। यह बात ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने चैल चौक में कही। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दे रहा है, ऐसे में इसकी निजीकरण के लिए अभी कोई विचार नहीं है। बेवजह ही लोगों व कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। चैल चौक पहुंचने पर विधायक विनोद कुमार ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए अधिकारी कम क्षमता के ट्रांसफार्मर बदलकर ज्यादा मेगावाट क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाएं, साथ ही फील्ड में रोजाना चल रही तकनीकी खामियों को दूर करें। हिमाचल में रविवार को कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या अन्य दिनों से काफी हद तक राहत भरी है। इसके साथ ही प्रदेश में आज के दिन कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 154 लोगों ने आज के दिन कोरोना से जंग जीतने में सफलता हासिल की है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना की संख्या 15,731 हो गई है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी काफी राहत भरा है। अब तक प्रदेश में 12,327 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 207 हो गई है। आज सामने आए 36 नए मामलों में सबसे ज्यादा 11 मामले मंडी जिले से सामने आए। इसके अलावा चंबा जिले से 9, कांगड़ा से 7, हमीरपुर से 4, कुल्लू से 3 व राजधानी शिमला से 2 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। आज ठीक होने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या शिमला से है। यहाँ से कुल 38 लोग आज के दिन कोरोना वायरस से जंग जीतने में सफल हुए हैं। केंद्र द्वारा पारित नए कृषि व श्रमिक कानून के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस जन चेतना यात्राओं का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत 5 अक्टूबर को शिमला संसदीय क्षेत्र के पांवटा साहिब में, 6 को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर के कंदरौर में, 7 को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के शाहपुर में किसान जन चेतना यात्राओं का आयोजन होगा, जबकि 10 अक्टूबर को मंडी के विपाशा सदन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस देश के किसानों व श्रमिकों के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इनका शोषण सहन नहीं होगा। केंद्र द्वारा पारित नए कृषि व श्रमिक कानून के खिलाफ कांग्रेस निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा,
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। विश्व शिक्षक दिवस पर सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समारोह होगा। प्रदेश भर से चयनित 16 शिक्षकों को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम जयराम ठाकुर सम्मानित करेंगे। शिक्षकों को अपने साथ साथ एक परिजन लाने की मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग समारोह में 100 लोगों को शामिल करेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का कार्यक्रम नहीं हो सका था। राष्ट्रीय शोक के चलते सरकार ने समारोह को टाल दिया था। इस साल विभिन्न श्रेणियों के 16 शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनमें 2 प्रिंसिपल, 1 हेडमास्टर, 3 प्रवक्ता, 2 DPE, 1 TGT, 2 CNV, 1 PET और 4 JBT शामिल हैं। इनमें शिमला के 2, कांगड़ा के 1, सोलन के 5, कुल्लू के 1, सिरमौर से 1, बिलासपुर से 2, हमीरपुर से 2, मंडी और लाहौल स्पीति से 1-1 शिक्षक शामिल हैं। 13 शिक्षकों का चयन प्रदेश भर से आए 44 आवेदनों में से किया गया। इसके लिए चयन कमेटी का गठन किया गया था। 3 शिक्षकों का चयन सरकार ने किया है। हमीरपुर जिला के पुलिस थाना सदर के तहत धनेड़ पंचायत के तलाशी कला गांव के युवती की हत्या कर शव को सूखे नाले में दफनाने के मामले में आरोपी युवक ने पुलिस रिमांड में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसने धोखे से युवती को पहले जूस में जहर मिलाकर पिलाया, जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसका गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को उसने पास में ही एक सूखे नाले में ले जाकर दफना दिया। आरोपी ने बताया कि वह युवती के शव को पूरी तरह से दफना भी नहीं पाया था। उसने लाश के ऊपर हल्की सी मिट्टी डाली थी, जिसके कारण जंगली जानवरों ने मृत शरीर को नोच लिया। खुदाई के बाद शरीर के कुछ हिस्सों की हड्डियां ही मिली थीं, अधिकतर अंग गायब थे। पहले भी युवक से इस मामले में पूछताछ होती रही है, लेकिन उसने पुलिस को गुमराह किया। ऊना उपमंडल के कस्बा महतपुर में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भयानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ है। नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह हादसा पेश आया। दरअसल इस गोदाम में भारी मात्रा में कबाड़ रखा हुआ था, जिसे आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस सामान में तेजी से आग भड़क गई। इस कारण से दमकल विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कबाड़ के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी आग की चपेट में आई है। आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।